Good morning kids, my name is Vivek Mishra from Bachpan Play School and PATHSHALA and Academy. I am teacher of English. Kids, we have started online classes for you. This video is for the students of class 6th. I expect you all to watch the video till end. Today, we are going to start first chapter named Health and Hygiene. So, our first chapter is which? First chapter is Health and Hygiene. इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? So before we start anything, first of all let's understand the title of this chapter. तो इस chapter के title को समझ लेते हैं, Health and Hygiene. Let's look here. Health means स्वास्थ्य, hygiene means स्वच्छता. तो हम आज इस chapter में स्वच्छता और स्वास्थ्य इनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? कि इनका क्या महत्व होता है और क्या क्या इनके बारे में होती हैं चीज़ें, वो सब आपको इस चैप्टर में मिलेंगी. चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग. यू मस्ट हैव हर्ड द प्रोवर्ब. आपने कुछ कहावतें यानी जो आगे कहावत दे रखी है वो ज़रूर सुनी होंगी. और एक तो बहुत फेमस है यहाँ पर, यू मस्ट हैव हर्ड द प्रोवर्ब, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड क्लीनलीनेस हाइजीन इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. यानि ये कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ कि जो हमारे स्वास्थ्य होता है वही हमारी संपत्ति होती है. और क्लीनलीनेस का मतलब साफ़ सफाई, यानी अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो वही सबसे बड़ी धार्मिकता है, ठीक है? कहते हैं ना जिस घर में साफ़ सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी जी आती हैं, ठीक है? तो वो सही बात है, बिल्कुल साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरी स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. यानी प्रत्येक स्टूडेंट को जागरूक रहना चाहिए, जो हेल्थ होती है ना हमारी, स्वास्थ्य होता है, उसका क्या महत्व है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, उसके बारे में हर स्टूडेंट को अवेयर रहना चाहिए, ठीक है? अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, ठीक है? अवेयर का क्या मतलब होता है? अवेयर ऑफ, जागरूक होना. और इम्पोर्टेंस होता है महत्व. चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. सो हियर वी कैन सी अ पैसेज इन विच टू पर्सन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. देयर इज अ कॉन्वर्सेशन गिवन ओवर हियर. तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं. देयर इज अ गर्ल नेम्ड सीमा और उनकी एक टीचर है, आपस में बात कर रहे हैं. इनकी बातों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं. सीमा, गुड मॉर्निंग मैडम. टीचर, गुड मॉर्निंग सीमा. यानी दोनों एक दूसरे को विश करते हैं. सीमा, आई एम नॉट वेल टुडे. तो सीमा है जो बच्ची, वो बोलती है कि मैम आज मैं ठीक नहीं हूँ. टीचर, दिस इज़ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. यानी बेटा तुमको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है. सीमा बोलती है, व्हाट इज़ हेल्थ मैम? ये मैम हेल्थ क्या होती है? ये मतलब जो हेल्थ यहाँ पर आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है? तो उसके टीचर उसको हेल्थ को डिफाइन करके बताती हैं. हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल बींग. इट इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीजेस. क्या मतलब है इसका? स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें हमें बीमारी नहीं है, रोग नहीं है तो वो हेल्थ है, बल्कि आप दिमाग से स्वस्थ हैं, आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं और आप स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक रूप से या सामाजिक कल्याण के लिए हर तरीके से जहाँ जहाँ आपका रोल होता है वहाँ पर आप एक्टिव प्रेजेंस दे सकते हैं. यानी कि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बीमार नहीं हैं, तो आप हर जगह काम को परफेक्टली कर सकते हैं, चाहे वो दिमाग से करना हो या शरीर से करना हो, या इमोशनली आपको कहीं पर अपने आप को प्रेजेंट करना हो, या धार्मिक रूप से आप जुड़े हुए हों, या आप समाज में हो, हर जगह पर आप अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं तो, ठीक है? ये यहाँ पर इनका कॉन्वर्सेशन फिनिश हो गया है. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैंने हिंदी में भी लिख रखे हैं. यहाँ पर हिंदी से क्या है, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको समझना, बट जैसा कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करने, ये सिर्फ समझने के लिए, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. बट आपको लर्न किस में करने, इंग्लिश टू इंग्लिश. तो इनको समझ लेते हैं अच्छे से. हेल्थ, वेलनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड. यानी दिमाग का स्वस्थ होना और बॉडी का स्वस्थ होना ही हेल्थ होता है. हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है कीपिंग वन सेल्फ एंड थिंग्स अराउंड वन क्लीन. यानी अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना ही क्या कहलाता है? हाइजीन. प्रोवर्ब, अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस हैविंग एन एडवाइस.
यानि एक छोटा सा सेंटेंस जो जो बहुत जाना जाता है, मतलब फेमस होता है, और उसमें क्या होता है, एक एडवाइस होती है, एक सजेशन होती है, एक सलाह होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब बोलते हैं। जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ क्या है, गुड स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इज़ द रियल ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ठीक है, आप चाहो तो अलग से लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है इसमें, बट ट्रेजर मीन्स खजाना होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बता ही दिया था हिंदी में, हेल्थ इज़ वेल्थ यानि स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है। क्लीनलीनेस, कीपिंग थिंग्स क्लीन यानी चीज़ों को साफ रखना ही साफ सफाई यानी क्लीनलीनेस होती है। गॉडलीनेस, डिवोशन टू गॉड, इसका मतलब होता है कि भगवान की भक्ति। अवेयर ऑफ, वेल नोन वेद यानी किसी चीज़ से जागरूक होना। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है सिग्निफिकेंस इंग्लिश में, और हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है महत्व, ठीक है। द नेक्स्ट इज मैडम, रिस्पेक्टफुल टाइटल फॉर अ वुमेन, यानी किसी महिला को जब आप आदर के साथ पुकारते हैं तो मैडम करके बोलते हैं, और उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मैम, एम ए उसके बाद कॉमा लगा होता है, ए एम, मैम शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैडम। कंप्लीट का मतलब टोटल यानी पूर्ण, पूरा। फिजिकल यानी शारीरिक, रिलेटेड टू बॉडी। मेंटल, रिलेटेड टू ब्रेन थॉट्स यानी कि दिमाग से संबंधित। इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, ठीक है। सेंसिटिवनेस, स्पिरिचुअल, रिलेटेड टू गॉड एंड रिलीजन यानी धर्म और भगवान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। एब्सेंस ऑफ डिजीजेस यानी फ्री फ्रॉम इलनेस, रोगों से मुक्त। चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, बट बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग अबाउट क्वेश्चन आंसर्स, आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स याद करिएगा अच्छे तरीके से। वर्ड मीनिंग्स अगर आपको याद हैं तो इसी चैप्टर में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आगे कभी भी किसी भी चैप्टर में ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, उनको याद कर लीजिएगा अच्छे से, और इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने की कोशिश करिए, हिंदी को दिमाग में रखिएगा अपने, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाइजीन इन द गिवन पैसेज, यानी पैसेज में जो हेल्थ और हाइजीन से संबंधित प्रोवर्ब दे रखे हैं, कहावत दे रखी है, वो कौन सी हैं। तो ये देखिए, स्टार्टिंग में हमने देख ली थी, देखिए ना, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड क्लीनिनेस, हाइजीन इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो ये दोनों हो गई। वैसे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं बट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही है, ऊपर से हम चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं। What kind of issue is the given passage related to? अब इस passage में किससे संबंधित यहाँ पर चर्चा हुई है या किससे संबंधित बात की गई है, तो आपको पता है health और hygiene, ठीक है। This passage is related to health and hygiene. What is the definition of health? तो definition मैम ने बताई थी यहाँ पर, देखिए, health is the state of complete physical, mental, emotional, spiritual and social well-being, ठीक है ना। आगे देखिए, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेइंग सिग्निफिकेंस, तो सेइंग तो प्रोवर्ब हो गई, कहावत हो गई, सिग्निफिकेंस महत्व हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे वर्ड मीनिंग में। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आप जल्दी से होमवर्क ले लीजिए, और ये जो वर्ड मीनिंग है इनको हम आपको पिक भेज देंगे अभी, जो भी आज हमने पढ़ा है, तो उससे आप थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। होमवर्क आपको दो तरीके से करना है, एक तो आपको राइटिंग में करना है और एक आपको मेमोराइज करना है, यानी वर्ड मीनिंग्स आपको सारे याद करने, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू इंग्लिश हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट वर्ड मीनिंग्स विच हैव टिक, तो कुछ मैंने ऐसे वर्ड मीनिंग ले लिए हैं जो कि हार्ड हैं थोड़े से और इम्पॉर्टेंट भी हैं इस चैप्टर के लिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको तो आप राइटिंग में कर लेना जिस पे टिक लगा हुआ है, ठीक है। और दो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है उसकी। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, तो एक तो आप ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाइजीन, यानी दो प्रोवर्ब्स लिखनी है हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड, जो यहाँ पर दे रखी हैं प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाइजीन आर, हेल्थ इज़ वेल्थ, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स और जिन पे टिक हो रहा है वो वर्ड मीनिंग्स आपको राइटिंग में करने हैं, ठीक है, और सारे वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर जो दो दे रखे हैं उनको लर्न भी करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के पैसेजेस और इस चैप्टर को आगे को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।